कि भाई केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो फिर वो बीजेपी के राज्यों को वो जो 50% उसने लिया है 150 रुपए पर डोज में, उसका फायदा पहुंचाएगी, फिर बाकी सब तो नुकसान में रह गए ना। सच ये है, वो तस्वीरें एकदम दिल को चीर देती हैं जब हम देखते हैं कि एक पत्नी के सामने उसका पति चला जाता है, एक माँ के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। सर, मौजूदा हालात कैसे हैं मध्य प्रदेश के? क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? कहीं पर भी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयां जो कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में? देश में कोरोना से जनता परेशान है और जनता की परेशानी को देखते हुए ही मीडिया में इस मुद्दे पर लगातार डिबेट हो रही है। आज हम गोदी मीडिया के कुछ चैनलों की डिबेट देखेंगे जिनमें सवाल विपक्ष के नेताओं से ना पूछकर भाजपा के नेताओं से किए गए। आज तक पर वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल भाजपा नेता संबित पात्रा से किए, जिस पर संबित विपक्ष पर टिप्पणी करने लगे, पर एंकर ने उन्हें जनता की परेशानी को दूर करने को लेकर जवाब देने को कहा। तो संबित पात्रा जी, इधर उधर शब्द किए बिना सवाल सीधा आपसे पूछती हूँ। देखिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता लोगों को कराने में तो पूरी तरह से सरकार चूक गई है। आग लगने के बाद अब कुआं खोजा जा रहा है हर जगह पर, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन में भी चूक गए सर। देखिए, बार बार केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। केंद्र को इस रेट में पैसा में वैक्सीन मिल रहा है, राज्य को क्यों ज्यादा में मिल रहा है? एक बात मैं बता दूं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कि केंद्र सरकार जो भी वैक्सीन लेती है, 50% का जो कोटा केंद्र सरकार का है, वो केंद्र जाके किसी और जगह नहीं लगाती है। इस तस्वीर के जरिए हर किसी को ये समझना चाहिए कि हम किस हालत में है अपनी मेडिकल व्यवस्था को लेकर। वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी की शुरुआत हो रही है सर, और देखिए आज ऑक्सीजन में हम कहां पर पहुंच गए। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र सवाल है, आप बोलेंगे राज्य को ही देते हैं, राज्य सरकारें बोलेंगी केंद्र नहीं दे रहा है, 1 मई से 18 ऑनवर्ड सबका वैक्सीनेशन होना है, जनता किससे पूछे? एबीपी न्यूज पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में वैक्सीन की कीमत को लेकर एंकर ने भाजपा नेता से सवाल किए, जिस पर वे बात को गोल गोल घुमाते दिखाई दिए, पर एंकर ने उन्हें रोका और सही से जवाब देने को कहा। हमारा भाटिया लूचरा साहब ने एक अभी आपको सजेशन दिया, दूसरा डॉक्टर भार्गव ये कह रहे थे कि भाई पासपोर्ट हमारे पास देश का है, तो फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमें क्यों वैक्सीन के पैसे देने पड़ेंगे? आप तो टीका पर्व बना रहे हैं, तो इसे पूरे देश के लिए फ्री क्यों नहीं कर देते? और खासकर कांग्रेस पार्टी कहती आई, ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज क्यों कर दिया है? स्टेट्स को खुद ये ताकत दीजिए कि वो अपना वैक्सीन कंपनी से खरीद सके और फिर लगा सके। जब बहुत मंथन के बाद और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करी, उसके बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया केवल 50% के लिए, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया? फिर तो आपकी भाई केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो फिर वो बीजेपी के राज्यों को वो जो 50% उसने लिया है 150 रुपए पर डोज में, उसका फायदा पहुंचाएगी, फिर बाकी सब तो नुकसान में रह गए ना। 50% प्रदेश की सरकारों को जाएगा। अभी तक जो कोविड के इंजेक्शन टीका बटे हैं करीब 14.5 करोड़ हैं। News 18 पर कोरोना महामारी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो रही राजनीति पर सवाल किए, जिस पर नेता अपने जवाब में सरकार की तारीफ और विपक्ष की आलोचना करने लगे, तो एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सही से जवाब देने को कहा। एक दिन में 3,300 एमटी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर केंद्र सरकार प्रोड्यूस केंद्र सरकार कर रही है। कैसे ट्रांसपोर्ट हो इसको लेकर क्रायोजेनिक टैंक इत्यादि बाकी देशों से लाया जा रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। और मैं तो सवाल पूछता हूं कि राज्य सरकारों को भी इसमें संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उनको भी संवेदनशीलता के साथ। वेलकम है कि आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर भरपूर काम कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है, वो तस्वीरें एकदम दिल को चीर देती हैं जब हम देखते हैं कि एक पत्नी के सामने उसका पति चला जाता है, एक माँ के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। तो सच्चाई ये है कि हम अपने आम आदमी के लिए, जिसके पास हम वोट लेने जाते हैं, उस तक वो बात नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी पीएसए के 162 प्लांट्स आवंटित हुए थे, कुछ राज्यों ने बनाए कुछ राज्यों ने नहीं बनाए। देखिए, राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी आप कहना चाहता हूं। नहीं नहीं संबित, सच तो ये है कि देखिए इस बात से हम नहीं मुंह फेर सकते हैं कि लोगों की जान चली गई है। आज तक पर कोरोना के मुद्दे पर एंकर ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर जवाब देने को कहा, जिस पर मंत्री सरकार की तैयारियों का जिक्र करने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपने तीखे सवालों में घेरा और सही से जनता की परेशानियों पर जवाब देने को कहा। सबके बीच ग्वालियर से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर राजाराम हॉस्पिटल में 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार?
कहा जाता है डबल इंजन की सरकार जहां पर होगी वहां पर तो किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। फिर ये स्थिति मध्य प्रदेश के अलग और ये सिर्फ ग्वालियर का तो मामला तुरंत सामने आया है। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, देखिए किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जो ग्वालियर की घटना हुई है उसमें कहीं भी किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये सब केवल और केवल आप ये कह रहे हैं तो इस बात को हम मान लेते हैं क्योंकि तीन लोगों की जान चली गई है और वहां पर परिजनों की ओर से सीधे सीधे यही आरोप लगाए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन आप इसको खारिज कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। ठीक है सर, मौजूदा हालात कैसे हैं मध्य प्रदेश के? क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? कहीं पर भी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयां जो कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में? हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कोरोना महामारी को लेकर मीडिया सतर्क दिखाई दे रहा है, इसी तरह अन्य जरूरी मुद्दों पर भी मीडिया ध्यान देगा और सरकार के नेताओं से सवाल करता रहेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.